और जब अमिता दीदी का बेबी होगा तुम उसे भी देखने आएंगे। बस चुप हो जाओ, बस बातें बनाना जानते हो तुम। अब चलो जल्दी से, अनामिका जी वेट कर रही है ना। चलो चलो चलो, जल्दी करो जल्दी करो। अमिता, प्लीज आपको मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? कि चाहे कुछ भी हो जाए आप कभी दुखी नहीं होंगी। अमिता मेरी खुशी ना आपसे, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको खुश रखने की, सच। वो देखना, जब तक हम दोनों साथ में हैं ना, तो कोई दुख कोई भी परेशानी हम दोनों के बीच में नहीं आएगी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा, चाय तैयार है। अच्छा मैं क्या सोच रहा था, क्यों ना आज हम सब लोग हमारी फेवरेट गुजराती थाली खाने के लिए बाहर चलें। वैसे भी काफी टाइम हो गया हम लोग गए नहीं। भाभी, वाह क्या हुआ, रिया का लेवर पेन शुरू हो गया, अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। एक काम करो, तुम उसकी जरूरत के कपड़े उसके मेडिकल रिपोर्ट बैग में भर लेना, ठीक है? तुम चलो। अच्छा ठीक है, हमें जल्दी से गाड़ी निकालो और अमिता को भी साथ लेकर चलना, रिया को उसकी जरूरत पड़ेगी हॉस्पिटल में। चलो जल्दी। ओके। आप प्लीज डरो मत, आप बैठे रहिए, हम अभी जाकर आते हैं। चलो आप गाड़ी निकालिए। अमिता, रिया को लेबर पेन शुरू हो गया, सब लोग हॉस्पिटल चले, चलो जल्दी। अमिता ये हमारा बेबी नहीं है, हमारा बेबी नहीं है, हमारा बेबी इस दुनिया में नहीं रहा, बेबी इस दुनिया में नहीं रहा। चलिए अमित, अब आप जाइए, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं अपना काम खत्म करके आ जाऊंगी, ठीक है? क्या अमिता, इस वक्त आपको काम की पड़ी है? काम कभी भी हो जाएगा अमिता, इस वक्त हमारा हॉस्पिटल में जाना ज्यादा जरूरी है, चलिए। अमित फिर आपसे कहा ना कि मैं बिजी हूँ, और इतने सारे लोग जा रहे ना हॉस्पिटल, मैं अपना काम खत्म करके आ जाऊंगी, ठीक है? आप जाइए। आप भी ना चाहिए ना। चलो चलो, फाल्गुनी ने गाड़ी रिवर्स करके तैयार रख दो, जल्दी आइए। संभल के बेटा, संभल के। अमिता कहाँ है? उसे कुछ जरूरी काम। जरूरी काम? अरे इस वक्त उसे ऐसा कौन सा जरूरी काम याद आ गया? मुझे पता नहीं, उसे रिया को लेकर हॉस्पिटल जाना है। मम्मी उसे बहुत जरूरी काम है, वो हॉस्पिटल पहुँच जाएगी। क्या तुम कहा? रिया, रिया संभल के। हाँ 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 बेटा संभल कर, चल बाबा। ये अमिता को क्या हो गया, सुनकर कुछ अजीब लग रहा है। मैं जानती हूँ अमिता क्यों नहीं गई, वो अभी भी डरी हुई है, पर उस बात को बहुत वक्त बीत चुका है। वक्त तो बीत चुका है समधन जी, लेकिन हर चोट के बाद उसके निशान तो रह जाते हैं। वो नहीं चाहते कि उसके साथ जो हुआ वो रिया के साथ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, रिया और उसका बच्चा सलामत रहेंगे। लला जी है ना, उन पे भरोसा रखो। अमिता प्लीज फोन उठाइए प्लीज। हेलो अमिता, मैं आपको कब से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही है मेरा? मैं थोड़ी बिजी थी। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि रिया की डिलीवरी में अभी भी 2 घंटे बाकी, अगर आपका काम खत्म हो गया तो मैं कार भेज रहा हूँ ड्राइवर के साथ, प्लीज हॉस्पिटल आ जाइए। नहीं अमित, मैं हॉस्पिटल नहीं आना चाहती। लेकिन क्यों अमिता, हुआ क्या? मैं हेलो हेलो अमिता, हेलो अरे हम दादी के पास जाएंगे, दादी की गोद में खेलेंगे, है ना? अरे वाह, ओ घर में लक्ष्मी आई है। अब देखना
सब कैसे दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करते हैं और कितनी सुंदर है हा? इसकी आंखें तो बिल्कुल रिया पर गई है। क्या बात कर रहे हो आप, ध्यान से देखो आंखें बिल्कुल रोहन जैसी है, उसके नाक है वो रिया जैसी है और इसके कान तो बिल्कुल मेरे जैसे है ना। तुम सब गलत हो, लल्ला जी की कृपा से इसकी शक्ल सूरत बिल्कुल रिया पर गई है। इसका माथा थोड़ा रोहन जैसा है। अरे बस 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 बस, आप सब भी ना, ये फैसला हम अमिता पे छोड़ देते। शक्लें मिलाने में वो माहिर है ना। अब अमिता, अमिता बेटा, अमित, अमिता कहाँ है? हाँ काकी, वो हॉस्पिटल भी नहीं आई। सब ठीक है ना? कुछ नहीं रिया, बस वो अमिता को कुछ जरूरी काम था इसलिए। अमित, I'm so sorry, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त अमिता पर क्या बीत रही होगी। उसकी प्रेगनेंसी में जो कुछ भी हुआ उसके बाद उसके लिए शायद ये सब देखना आसान नहीं हो। नहीं नहीं काकी, आप जैसा सोच रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि अमिता तो बहुत खुश है। वो मुझसे कह रही थी कि रिया का बेबी आएगा तो हम ये करेंगे हम वो करेंगे। आप जैसा सोच रही है ऐसा कुछ नहीं। मैं अमिता को बुला कर लाता हूँ। अमिता, अब क्या कर रही है? बाहर सब लोग आपका वेट कर रहे हैं, चलिए। अमित, वो मैं बाहर जा रही थी एक जरूरी काम। मतलब आप रिया की बेबी को देखने नहीं आएंगे? अमित, रिया दीदी और बेबी दोनों घर पर ही है ना, तो वापस आकर देख लूंगी। लेकिन अमिता, आप बाद में जा सकती है ना? नहीं अमित, ये बाद में नहीं हो पाएगा, अब मुझे अभी जाना पड़ेगा। हाँ अमिता, आप बताए या ना बताए लेकिन आपके मन में जरूर कुछ चल रहा है और ये मैं पता करके रहूंगा। अमिता घर जा रही तो फिर अमिता बाहर क्या करने आई? अमिता,
पीछा कर रहे थे। क्या करूं अमिता, पीछा ना करने के लिए आपने कोई मौका ही नहीं छोड़ा ना। मतलब कि अमिता, जब से रिया हॉस्पिटल गई है आप कुछ ज्यादा बिजी होने लगी। बस ये बात जाने के लिए मैंने आपका पीछा किया, तो प्लीज अमिता बताइए क्या बात है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो चल अमिता, कहीं ऐसा तो नहीं है ना घर में जो बेबी आया है उससे आप खुश नहीं है? अगर ऐसा है तो मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन आपका ये जो बर्ताव है ना अमिता, वो मुझे और हमारे पूरे परिवार को चिंता में डाल। प्लीज बताइए अमिता क्या बात है। हाँ शायद आप सही कह रहे, मैं नए बेबी के लिए तैयार नहीं। आइए मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। आइए। तब वहाँ कहाँ ले जा रही है? आप जानना चाहते थे ना कि मैं किस चीज में इतनी बिजी थी। रिया दीदी और उनकी बेबी के लिए ये रूम। हम दोनों की तरफ से तोहफा। तो बताइए कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। मुझे पता नहीं था अमिता कि आप में ये सारी खूबियां भी। बात कहूं? कहिए। सॉरी अमिता, मुझे माफ कर दीजिए। किस लिए? मुझे लगा कि रिया की बेबी की खबर सुनकर आप खुश नहीं हैं, इसलिए आप हॉस्पिटल नहीं हैं। फिर पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं। क्यों परेशान है? बोलिए ना अमिता, क्या हुआ? नहीं हमें अब पूरी तरह से गलत नहीं थे। बेबी के आने से मैं बहुत घबराई हुई, बहुत डरी हुई हूँ। अमिता प्लीज मुझे बताइए बात क्या है, क्यों डरी हुई है? रिया और उसका बीबी दोनों पूरी तरह से ठीक है? नहीं, मैं रिया दीदी और उनके बीबी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। फिर? मैं हमारे बीबी के बारे में बात कर रही हूँ। माँ बनने वाली। मैं
अपने वाली ममित। अगर अमिता ने ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखी तो उसे काफी खतरा हो सकता है। अमिता ने अगर इस बेबी को जन्म दिया तो उसकी जान भी जाती है। हम माँ और बेबी में से एक को ही बचा सकते। आखिर डॉक्टर से पूछा कि बेबी का वजन क्या है। अच्छा ये तो बताइए लड़का है या लड़की। अमिता ये हमारा बेबी नहीं है। हमारा बेबी इस दुनिया में नहीं रहा। मुझे पता है आप क्या सोच। मैं नहीं, मैं कुछ नहीं सोच। मुझे पता है आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें आप मुझसे कुछ भी छुपा नहीं सकते। मैं भी वही सोचती हूँ जो आप सोच रहे। मैं बहुत डरी हुई हूँ, बहुत चिंता हो रही है मुझे, घबराहट हो रही है कि फिर से वो ना हो जाए जो पता नहीं क्या इस बार मेरी प्रेगनेंसी सही से हो पाएगी और कोई गड़बड़ हो गई तो हमें फिर से वही दौर से गुजरना पड़ेगा हम इतने मुश्किल से बाहर आए। हम दोनों हैं ना साथ, कुछ नहीं होगा हमारे बेबी को, कुछ नहीं होगा। ठीक है ना अमित, बाकी सारी बातें बाद में, पहले घर वालों को जाकर ये खुशखबरी सुनाते। अमिता बेटा, मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुम्हारे मन में कई सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन तुम किसी भी बात की फिक्र मत करना, कोई भी दबाव मन पे मत लेना। जो भी सोचो, जो भी तय करो, एकदम ठंडे दिमाग से सोच समझ कर करना। हम लोगों को सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए, इसलिए तुम दोनों जो भी फैसला करोगे उसमें हम तुम्हारा साथ देंगे। अगर आप दोनों ने बेबी का फैसला लिया है तो हम सब तुम्हारे साथ। एक मिनट, हम सिर्फ इस बारे में बात कर रहे थे, हमने कोई फैसला नहीं लिया। अमित सही कह रहे हैं, अब कोई भी फैसला लेना। बेबी अमिता से बात करना चाहती हो, है ना बेबी? अमिता, मुझे लगता है बेबी तुम्हें कुछ समझाना चाहती है। शायद बेबी भी यही कहना चाहती है कि जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं कि जहां पर बीते हुए कल की वजह से जाने में हमें डर लगता है। उन अंधेरे रास्तों में सिर्फ एक उम्मीद की लौ ही काफी होती है, जिंदगी अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेती है। मुझे नहीं लगता कि अमिता को इस वक्त प्रेगनेंसी का खतरा मोल लेना चाहिए।